हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन अ बुक ऑफ हॉप स्किप एंड जंप लिटरेसी स्किल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज मंथ ऑफ द ईयर। ओके, यहाँ पे मंथ ऑफ द ईयर में क्या बोला गया है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दिए गए, हमें उसको फिल करना है। लेकिन बच्चों, उससे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, हमें मंथ ऑफ द ईयर अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चलिए एक बार रिसाइट करते हैं मंथ ऑफ द ईयर। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं मंथ ऑफ द ईयर क्या है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस, तो ये क्या है? मंथ ऑफ द ईयर। यस, तो ये हमारे नाम से, ये सीक्वेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। कि अभी यहाँ पर अभी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या बोला गया है मालूम है? फरवरी कम्स बिफ आफ्टर। ओके, आफ्टर मतलब बाद में। तो फरवरी किसके बाद आता है? फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी। यस, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। तो बच्चे ये आपको याद है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपको मैंने मैथ्स के उसमें बताया है, न्यूमेरेसी स्किल में आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट उधर क्लियर हुआ था आपका। ये तो आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। तो जनवरी, फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी। यस, वी राइट हियर जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी। नेक्स्ट, जून कम्स बिफोर। ओके, जून किसके पहले आता है? जून किसके पहले आता है? जुलाई। जून कम बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले आता है ना? यस, तो राइट हियर जुलाई, जे यू एल वाई, जुलाई। नेक्स्ट, अक्टूबर कम्स डैश सितंबर। ओके, सितंबर, अक्टूबर किससे पहले आता है? सॉरी, अक्टूबर, अक्टूबर कम्स सितंबर। अब यहाँ पे सितंबर दिया, तो सितंबर के बाद में आता है ना? यस, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए बताइए? अक्टूबर कम आफ्टर सितंबर। ओके, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, अक्टूबर कम्स आफ्टर सितंबर। ओके, आफ्टर मतलब सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर आता है। ओके, नहीं, जुलाई कम्स आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में आता है जुलाई? टेल मी, जुलाई किसके बाद में आता है? आफ्टर मतलब बाद में, जुलाई कम्स जून। यस, जून के बाद आता है। यस, जे यू एन ई, जून, जुलाई कम्स आफ्टर जून। ओके, जून के बाद में आता है, आफ्टर मतलब बाद में। द फर्स्ट मंथ इज, ओके, फर्स्ट मंथ कौन सा है? मंथ में फर्स्ट वाला मंथ कौन सा है? जनवरी। यस, जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी। नेक्स्ट, द सिक्स्थ मंथ इज, ओके, अभी सिक्स्थ मंथ कौन सा है? तो यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट मंथ तो मान को जनवरी हमने लिख दिया। नेक्स्ट, सिक्स्थ मंथ बोला गया, काउंट करेंगे हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पे क्या आ रहा है? जून। क्या आ रहा है? जून। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द सिक्स्थ मंथ इज जून। यस, जे यू एन ई, जून। नेक्स्ट, माय बर्थडे इज इन। ओके, अब यहाँ पर आपको माय बर्थडे इज इन, तो आपका बर्थडे किस मंथ में आता है? आपको पता है, जैसे कि मेरा बर्थडे तो जुलाई में आता है, तो आई विल राइट योर जुलाई, जे यू एल वाई, जुलाई। तो आपको भी यहाँ पे आपका जो बर्थडे का मंथ है वो आपको लिखना है, जुलाई। मतलब मेरा तो जुलाई है, अगर आपका जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, नवंबर है, दिसंबर है, आप उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। ओके, सो लाइक दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 117। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पेज इज मंथ ऑफ द ईयर। अब यहाँ क्या बोला गया है? लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द इन द मंथ्स। ओके,
हमें कैलेंडर देखना है। ओके कैलेंडर देख लीजिए, नहीं तो आपको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड फिल इन द मंथ्स, ओके यहाँ पे हमें मंथ्स को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर बच्चा रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे इज इन कौन से मंथ में आता है? रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे जो है ना वो आता है जनवरी में। कब आता है? जनवरी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिपब्लिक डे इज इन जनवरी, JANUARY, जनवरी। फर्स्ट, सबसे फर्स्ट मंथ में कौन सा मंथ आता है? कौन सा आता है? रिपब्लिक डे आता है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे कौन से मंथ में आता है? इन द मंथ ऑफ अगस्त, इन द मंथ ऑफ अगस्त, AUGUST, अगस्त। नेक्स्ट टीचर्स डे इज इन, टीचर्स डे कौन से मंथ में आता है? इज इन सेप्टेम्बर, ओके सेप्टेम्बर, ओके। नेक्स्ट गांधी जयंती इज इन, गांधी जयंती कब आता है? गांधी जयंती इज इन अक्टूबर, ओके अक्टूबर, ओके। नेक्स्ट चिल्ड्रंस डे इज इन, चिल्ड्रंस डे कब आता है? इन नवंबर, कब आता है? नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। अगर बच्चे आपको स्पेलिंग्स याद नहीं है तो आप पीछे से देख देख के स्पेलिंग्स लिख सकते हो, बट बच्चा मेक श्योर करिए आपको ये सारी स्पेलिंग्स अच्छे से, अगर आपको ये सारी स्पेलिंग्स अच्छे से आएंगी तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। लाइक दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 118। ओके सो टेक केयर, बाय बाय।